हेलो दोस्तों, आज आ गया शादी का दिन और अब चलेंगे बारात में। तो चलो आज जो भी इस ब्लॉग में दिखाएंगे अपने बारात दिखाएंगे, जो हमारे जो जिस तरीके से बारात होती है वो सब बारात दिखाएंगे। तो आओ चलते हैं, बारात की तैयारी दिखाते हैं। तो भाई देखो, दूल्हे को तैयार कर रहे हैं यहाँ पे और ये सब गीत गा रही है। अब गाँवों में माहौल अलग दिखता है, पर सिटी हो गई तो सिटी में थोड़ा सा सब सज धज के ज़्यादा ही दिख रही है। तो यहाँ पे देखो दूल्हे को तैयार कर रहे हैं और ये कन्नू रेडी होकर तैयार है। और ये देखो दूल्हा कुछ कहना चाह रहा है कि मेरे को पूरा मत दिखाना और इसके मजे ले रहे हैं हम लोग, पूरा नहीं दिखे थोड़ा दिखाएंगे। और ये विदाई का आ गया और ये आशा है, ये मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर, ये सुनील भाई साहब, इनको मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। और ये वापस कन्नूर के पास आते हुए, और ये देखो सबको सब रेडी हो गए। अब बाहर चल के देखते हैं बाहर क्या कैसे तैयारी हो गई। हमारे क्या बात वाजा नहीं बसता ना, हमारे सीधे जाते हैं। तो ये फूफा जी तैयार हो गए, गाड़ियाँ रेडी हो गई, ये मामा रेडी हो गया और ये मामा अनेक करने जा रहा है। मामा ने बस फ़ोन गिरा ही दिया था गलती से, जानबूझ के नहीं। और ये देखो गाड़ियाँ आ गई और ये बाहर साफ़ सफाई चल रही है अभी भी, बर्तन वर्तन टेंट वाले के ये साफ़ सफाई करके अब हम आ गए वापस। हम देखते हैं इसको रेडी कैसे कर रहे हैं। ये लक्ष्मण जी और ये इसकी शेरवानी देख लो, ये शेरवानी, ये भाई इसकी शेरवानी दिखाता हूँ आपको। और ये हमारे विधायक साहब, उनको रेडी करने के लिए चार चार लोग लग रहे हैं। अभी इनमें लक्ष्मण जी आ गए, फूफा जी आ गए, ये हमारी बुआ जी आ गई और ये सब आ गए। तो इसको देखो लगभग लगभग रेडी कर दिया है, तो साफा पहनने की जरूरत है। और ये देखो कंठी हमारे क्या मेन किया, तो जोला पहनाते हैं या कंठी बनाते हैं, गहना पहनाते हैं माँ का, तो ये पहना दिया उसको घंटी। ये मम्मी फोटो ले रही है, ये सिस्टर है, ये सारी ये बुआ जी है, ये सिस्टर है आशा और ये बुआ जी है पिंक लुगड़ी में, ये बुआ जी हमारी। तो मैं सबको मिला भी देता हूँ धीरे धीरे। तो ये देखो दूल्हा रेडी होके आ गया अंदर, क्यों मैं छोटी क्लिप इसलिए बना रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, बाहर भी लोगों को गेस्ट को संभालना है। फिर ये देखो यहाँ पे खाना खा के बाहर चलेंगे मंदिर में। मंदिर का जो भी है सिस्टम वो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि इस ब्लॉग में मैंने ना इतना ही शूट किया है। और ये सब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो यहाँ से ये पैदल पैदल मंदिर जाएंगे। मंदिर पीछे दो गली पीछे ही है अपना मंदिर, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ इसकी वहाँ पे जो भी रस्में दो तीन रस्में वो रस्में होगी और उसके बाद बारात जाएगी यहाँ से। तो ये गाड़ी है वरना में जा रहे हैं मनोज भाई साहब की में, ये मंदिर है, यहाँ पे हम सब आ गए। तो क्या मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैं ये जो भी है ना रस्में अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, इस ब्लॉग में तो बस अपनी बारात जाते हुए देखेंगे। क्योंकि आप समझ सकते जब घर में शादी होती है तो थोड़ी सी भाग दौड़ रहती है। मैं बड़ा रह गया इससे, मैं चाहता नहीं पापा परेशान हो, तो इसलिए मैं भाग दौड़ ज़्यादा कर लेता हूँ। और हम लोग जा रहे हैं बस में, क्योंकि बस मंगवा ली, बस में कोई नहीं गया, सब कारों में भाग गए। तो हम सोचे भी बस तो जाएगी, हम बस के मज़े लेते हैं। तो देखो खुली खुली बस के मज़े, अरे राजा की तरह जाओ खुले खुले। ये संजय जा रहा है हमारे साथ और हम पहुंच गए। देखो देखो आपको ये छोटा सा ब्लॉग लगेगा, पर ये छोटा ही बनाया मैंने, मिनी ब्लॉग ही बनाया। पूरा ब्लॉग डिटेल से अगला ब्लॉग में जाएंगे, जब तक सुनील भाई साहब मेरे को वीडियो दे देंगे सारे, तो उनको बोला तो मैंने वीडियो दे दो। और यहाँ पे हमारी बारात इकट्ठा होगी, हमारे बाजा वजा नहीं बसता, घोड़ी भी नहीं चढ़ते, हमारे क्या समाज में बंद है। और ये देखो ईया भी पहुँच गई, कन्नू भी पहुँच गई बारात में कन्नू की मम्मी के साथ। ये इसकी खुशी देखो आप तो बस। और ये है, ये नींदों में से उठा है भाई हमारा बच्चा, तो अभी किसी से बात नहीं कर रहा है और एक्साइटमेंट ईया को बहुत है। तो ये देखो धीरे धीरे बारात इकट्ठा हो गई, और ये देखो सारे बारात इकट्ठा हो गए। तो और अपने फायरवर्क्स भी चालू कर दिए बाहर, इन लोगों ने रोड पे लगा दिया। और मैं तो 240 का सर शॉट लेके आया था, अभी आधे घंटे पे पहले बंद नहीं होने वाले पटाखे। और ये देखो सब छोटे छोटे बच्चे पटाखे फोड़ के भाग आए, तो ये इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहाँ भी बारात अंदर गई, वो मैं आपको जो भी जुआरी करते हैं जो भी क्या क्या रस्में होती है वो अगले ब्लॉग में दिखा दूंगा भैया से वीडियो लेके। और ये देखो हम एक रस्म तो करने आए, पड़ला बोलते हैं इसको, जिसमें दुल्हन के लिए गहने और कपड़े लेके जाते हैं। तो हम दुल्हन के घर आ गए, तो ये पहले यहाँ पे दुल्हन को कब गहने कपड़े देंगे, इसके बाद दुल्हन वरमाला के लिए जाएगी, तो ये पहले लेकर आ गए थे हम। तो देखो अंदर ये मंडप बना हुआ है, तो यहाँ पे ये छोटा सा रिवाज है पटला करने का,
तो ये यहाँ पे इनके जो भी हमने लेके आए सामान वो सामान यहाँ पे दे दिया, और देने के बाद हम लोग चले जाएंगे गार्डन में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये छोटा सा ब्लॉग था, बस इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।